ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ सूर्यादि नवग्रह हम सभी का मंगल करें। मित्रों नमस्कार, जय विश्वनाथ। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे भरोसेमंद सटीक राशिफल आपको यहाँ पर मिलेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया देर न करें, नीचे मेरे नाम के सामने लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें। मैं हूँ आपके साथ काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपको दैनिक पंचांग और राशिफल के विषय में अवगत कराएंगे। बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो आप अवश्य देखें। आज है दिनांक 7 अक्टूबर 2020। आज जिनका जन्म दिवस है, विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सद्विचार, जीवन की समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। आइए आज के पंचांग पर नजर डालते हैं। आज दिनांक है 7 अक्टूबर 2020, विक्रम संवत 2077, जिसका नाम प्रमादी है। शक 1942, सूर्य दक्षिणायन, गोल सौम्य, शरद ऋतु, अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो कि सुबह 10:55 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। आज बुधवार है, पुरुषोत्तम मास का पवित्र महीना चल रहा है और हमारे चैनल से अधिक मास की कथा व्रत विधान का प्रसारण भी नित्य चल रहा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल के प्लेलिस्ट से हर अध्याय की कथा सुन सकते हैं। आज का नक्षत्र है रोहिणी। व्यतिपात योग, तैतिल करण, वृष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। सूर्य कन्या राशि पर, बकरी मंगल मीन राशि पर, बुध तुला राशि पर, गुरु बृहस्पति धनु राशि पर, शुक्र सिंह राशि पर, शनिदेव धनु राशि पर, राहु वृष राशि पर एवं केतु वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। व्यतिपाद योग के कारण आज कोई मुहूर्त नहीं है। आज उत्तर दिशा में दिक्षूल रहेगा। उत्तर दिशा की यात्रा न करें। यदि एक ही दिन में आना जाना दोनों हो तो बिना दिक्षूल का विचार किए यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करना अति आवश्यक हो तो धनिया अथवा मिष्ठान्न खाकर आज यात्रा करें। आज सूर्योदय का समय 6:10 पर एवं सूर्यास्त सायं 5:50 पर होगा। आज राहु काल दोपहर 12:03 से 1:32 तक रहेगा। पंचांग की सारी जानकारी आप काशी के सूर्योदय के अनुसार सुन रहे हैं। आज वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि वालों को चंद्रबल प्राप्त होगा। अब हम आपको मेष से मीन पर्यंत 12 राशियों के भविष्यफल को बताने जा रहे हैं। यह भविष्यफल चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको आपकी राशि नहीं मालूम तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि, स्वामी मंगल। ऊर्जा से भरपूर आपका दिन रहेगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। कार्य व्यवसाय के लिए दिन मध्यम रहेगा। बड़े निवेश से आपको बचने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अपनी वाणी पर संयम रखें। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को और भी परिश्रम की जरूरत है। आँखों को भी आप आराम दें। जीवन साथी के उत्तरदायित्वों की पूर्ति होगी। रुके काम बनने के आसार हैं। आपका भाग्य अंक है 5। गणेश जी को यदि आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी। वृष राशि, स्वामी शुक्र। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। अपने धैर्य पर काबू रखें। परिवार की मदद से कार्य पूरा हो सकता है। सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सफल होगा। जीवन साथी की जरूरतों को समझना होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में कामयाबी का दिन है। आपका भाग्य अंक है 4। ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए आज किसी सौभाग्यवती महिला को श्रृंगार सामग्री दान करें। मिथुन राशि, स्वामी बुद्ध। नसों से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की जरूरत है। सकारात्मक सोच के साथ इससे निजात पा सकते हैं। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। किसी बड़े निवेश को करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है।
वाणी में मधुरता लाएं। जीवन साथी के साथ समय बिताने की जरूरत है। आपका भाग्यांक है 1। योग ध्यान से आपकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा। ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। कार्य व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। बड़े निवेश के अवसर मिल सकते हैं। धनाभाव उपस्थित होने पर मदद भी मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल होंगे। संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। समाज के साथ जुड़कर रहें। जीवन साथी से भरपूर प्यार मिलने की आशा है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपका भाग्यांक है 5। चमेली का इत्र अगर प्रयोग करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। सिंह राशि, स्वामी सूर्य। मानसिक रूप से थकान हावी रहेगी। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं। इससे आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। कार्य व्यवसाय मध्यम रहेगा। बजट के साथ खर्च करें, अन्यथा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। काम में ज्यादा टाल मटोल न करें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए और मेहनत की जरूरत है। जीवन साथी के प्रति उदासीनता का भाव रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करने की जरूरत है। आपका भाग्यांक है 4। सूर्य को जल देना आपके लिए हितकारी होगा। सूर्य को जल देते समय आप इन 5 नामों को ले सकते हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवये नमः। कन्या राशि, स्वामी बुध। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। टहलना घूमना योग आपको तरोताजा रखेंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए चल रहे प्रयास सफल होंगे। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए चल रहे प्रयास में ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जीवन साथी के प्रति उदासीनता का व्यवहार रिश्तों में दरार ला सकता है। एक दूसरे को समय दें। प्रेम संबंधों में बाधा आने की उम्मीद है। आपका भाग्यांक है 2। गाय को रोटी खिलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। तुला राशि, स्वामी शुक्र। आज के दिन थोड़ा तनाव का अनुभव करेंगे। रुपए पैसों को लेकर ज्यादा तनाव न लें। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का ख्याल रखें। संतान की प्राप्ति होगी। घर में मांगलिक कृत्य हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे लोगों के लिए पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होंगे। सामंजस्य बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए सही इंसान को चुनें। आपका भाग्यांक है 5। चिड़ियों को चावल खिलाएं। वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। स्वास्थ्य को सामान्य रखने के लिए एकाकीपन को त्याग दें। दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटें। कार्य व्यवसाय मध्यम रहेंगे। निवेश का अवसर मिलेगा, लेकिन बिना पूरी तरह जांच पड़ताल के निवेश न करें। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद खत्म करना उत्तम होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के उत्तरदायित्वों की पूर्ति होगी। रिश्तों में नवीनता आएगी। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। आपका भाग्यांक है 6। पीपल वृक्ष को जल देना आपके लिए लाभकारी होगा। धनुराशि, स्वामी बृहस्पति। खान पान पर ध्यान रखें। लापरवाही बीमारी की वजह बन सकती है। पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। पुराने पड़ रहे रिश्तों को आज फिर से टटोलने की जरूरत है। कार्य व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार में मांगलिक कृत्य संपन्न हो सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे काफी परेशानियां दूर होंगी। प्रेम संबंधों में शक करना रिश्ते को तोड़ सकता है। आपका भाग्यांक है 3। किसी अनाथालय में कुछ दान करें, आपकी उन्नति होगी। मकर राशि, स्वामी शनि। आज खुद को ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। धन से जुड़ा कोई कार्य आज हल होने की उम्मीद है। धन लाभ की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल होंगे। किसी काम को दिखाने के लिए न करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में नीरसता का योग है। आपका भाग्यांक है 3। शिव आराधना समस्त विकारों को दूर करेगी। कुंभ राशि, स्वामी शनि। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। दिन भर व्यस्तता रहेगी। आत्मविश्वास और तेज दिमाग से आप अपने कार्यों को हल करने में सक्षम होंगे। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। संबंधित अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। जीवन साथी को और समय देना जरूरी है। आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपका भाग्यांक है 1। हनुमत आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगी। मीन राशि,
स्वामी बृहस्पति। ऊर्जा से भरपूर मगर थका देने वाला दिन होगा। सबकी मदद करने की आपकी इच्छा लोगों के बीच आपको प्रिय बनाएगी। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन हो सकते हैं। पठन पाठन के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी का साथ सारी समस्याओं को दूर कर देगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का दिन है। आपका भाग्य अंक है 8। मछली को दाना डालना आपके लिए शुभ कार्य होगा। इसी के साथ आज का राशिफल संपन्न होता है। दैनिक राशिफल की इस वीडियो को शेयर करने से भी पुण्य लाभ होता है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्लॉग पर भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ नमस्कार। जय विश्वनाथ।